हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ मोरिंगा सहजन ड्रमस्टिक के पान जो होते ना, उससे रेसिपी लेके आई हूँ। और ये कुछ मेथी के पत्ते के जैसा दिखता है, मगर इसको क्लीन करना बहुत आसान है। आप सिर्फ पकड़ के इस तरह से झटक दोगे ना, तो भी सारे के सारे पान अलग हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर की मोटी डंडल जो रहती है ना, वो आपको निकाल के लेनी है। देखो मस्त, ये सारे के सारे पान मैंने अलग करके ले लिए। और आप इसको दाल वगैरह में भी यूज कर सकते हो, इसकी सब्जी चटनी किसी में भी यूज कर सकते हो। ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से काफी फायदेमंद होता है। अभी मैं क्या करती हूँ, उसको ले लेती हूँ एक वाटी भर के इसमें बर्तन में, ठीक है। इसको धो के मैं साइड में रखती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली हुई थी, मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में। आपको ज्यादा घाई है ना, तो आप 10-15 मिनट के लिए सिर्फ गर्म पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि मूंग दाल को भीगने को टाइम नहीं लगता है। मैंने मूंग दाल को निकाल के लिए मिक्सचर जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, 1 मिर्ची का टुकड़ा डाल रही हूँ। देखो इस तरह से आप तीखा अपने पर हिसाब से डालिए। और थोड़ा सा मैं ये सहजन के पत्ते जो थे ना, वो डाल के ले रही हूँ। और आधे वाटी के आसपास दही डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका मस्त स्मूथ सा बैटर बना के लेंगे। एकदम हेल्दी नाश्ता है। जो बच्चे भाजी नहीं खाते ना, उसको भी आप ये खिला सकते हो। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है ये। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चने का आटा 1 चम्मच के आसपास लिया है। 1 चम्मच के आसपास मैंने बाजरी का आटा ले रही हूँ। 1 चम्मच के आसपास मैं बड़ा चमचा ही है ज्वार का आटा ले रही हूँ। और उतना ही रवा डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें आटे चेंज कर सकते हो प्रपोर्शन। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। देखो इस तरह से मैंने सभी चीजें डाल के मिक्स करके लेना है। अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पहले अच्छे से बैटर को मिक्स करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 बार पानी डाल के अच्छे से बैटर रेडी करना है। यहाँ पे एक बात याद दिला दूं, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आप ज्यादा पानी एक साथ मत डाल दिए, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 बार डालिए। और आपके पास जो भी आटा अवेलेबल हो, वो आटा इसमें आप डाल सकते हो। देखो इस तरह से मैंने एक घोल रेडी करके लिया है। अभी अपने को इस घोल को रेस्ट नहीं देना है, तुरंत के तुरंत ही बनाना है। एक तवे को मैंने गरम करके लिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा अच्छा सा गरम हो जाए ना, फिर थोड़े छींटे पानी के डाल के टेम्परेचर मीडियम करके लिया है। और कपड़े की मदद से पोंछ के ब्रश से थोड़ा सा तेल ग्रीस करके लिया है। एकदम कम तेल में ये बन जाता है नाश्ता। और थोड़े से मैं सफेद तिल डालती हूँ, तिल का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा था ये नाश्ते में। फिर इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ, पहले एकदम मोटा नहीं बनाना है, मीडियम। देखो इस तरह से डोसा से थोड़ा सा मोटा मैं रख रही हूँ, और फिर ऊपर से मैं सफेद तिल और डाल रही हूँ, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखोगे तो 2-3 बूंद तेल में ही ये नाश्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। अभी इसको ढक के हम लोग पकने देंगे, क्योंकि मोटा है ना, इसीलिए अंदर तक पक जाए, इसीलिए मैंने इसको ढक दिया था। अभी एक तरफ से ड्राई हो जाए ना, फिर अपने को इसको पलट के लेना है। बेहद आसानी से पलटने जमेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस की फ्लेम सिर्फ मीडियम रखिए, ज्यादा हाई फ्लेम पे रखोगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा नाश्ता, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए अपने को नाश्ते को अच्छे से उलटते पुलटते पका के लेना है। और ये नाश्ता बाद में भी सॉफ्ट का सॉफ्ट बना रहता है। अभी डोसा जैसा अगर बना ना क्रिस्पी, तो इस बैटर को थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पतला घोल रेडी किया है। और फिर तवे को अच्छे से गर्म करके हल्के हाथों से मैंने डोसे की तरह फैला दिया है। कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम क्रिस्पी डोसा बनता है। थोड़ा सा तेल मैंने डाल दिया था ब्रश की मदद से, और फिर इस तरह से हल्के हाथों से तवीसे की मदद से करोगे ना, देखो जिस तरह से लाल हो जाता है ना डोसा, उस वहां से आपको डोसे को निकालना है। आप दूसरी ओर से निकालने जाओगे तो टूट जाएगा डोसा, इसीलिए आपको जहां से पक गया है ना, वहां से इस डोसे को ये करना है। अच्छा गोल्डन ब्राउन दिख रहा है ना, वो साइड से खोलना निकालना चालू कीजिए डोसे को। देखो कितना मस्त क्रिस्पी डोसा बना है। देखो मैं आपको नजदीक से भी बता देती हूँ, एकदम बहुत ही मस्त क्रिस्पी डोसा बनता है। और बच्चों को तो आसानी से खिला सकते हो, बच्चे से लेके बड़े और सभी को इतना ये पसंद आता है।
और ये चीला जैसा बना था ना, देखो कितना ठंडा होने के बाद भी उतना सुपर सॉफ्ट बना रहेगा। बच्चों के टिफिन बॉक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, या कोई मेहमान आ जाए ना तो उनको भी आप ये सर्व कर सकते हो। तो एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। और फिर चाकू की मदद से इस तरह से बारीक कट करके लेना है। ये काफी हेल्दी रहता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, वेट लॉस जर्नी के लिए तो काफी फायदेमंद है ही, साथ ही साथ बच्चों से लेके बड़े सबके लिए फायदेमंद है। यहाँ पे मैं ज्वार का आटा 1 चम्मच डाल रही हूँ, साथ ही साथ 1 चम्मच मैं बाजरे का आटा डाल रही हूँ और 1 चम्मच चने का आटा डाल रही हूँ, 1 चम्मच रागी नाचनी जिसे बोलते ना उसका आटा मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी आटा रहेगा ना उतने आटे आप डाल सकते हो। और इसको क्रंची टेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा रवा डाल रही हूँ, क्योंकि हम सोडा इनो किसी का भी इस्तेमाल करने वाले है नहीं इस नाश्ते में। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट हम डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर 2 चम्मच के आसपास डालेंगे, और साथ में थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, थोड़े से जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा अजवाइन को हाथों की मदद से क्रश करते हुए डालेंगे। अभी नींबू का रस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, आप ठीक है ना, तो इमली का पल्प का पानी भी डाल सकते हो इसमें। और गुड़ को मैंने पानी में इस तरह से भिगो के लिया था जिससे कैसे इसका ये हो जाए पानी, तो ये पिघलने टाइम ना लगे ना, इसीलिए मैंने इस तरह से गुड़ को थोड़ी देर के लिए पिघल के लिया था, गर्म ये ठंडा पानी में ही डाल के रख दिया था। आप इसके जगह पे शक्कर भी डाल सकते हो, मगर कैसा वेट लॉस जर्नी पे है तो शक्कर नहीं खाना चाहिए ना, इसीलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। अभी आपको क्या करना है, पहले मिक्स करना है इस तरह से। आप पहले ही पानी डाल दोगे तो भाजी में से बहुत सारा पानी अलग होगा, रिलीज होगा, इसीलिए अपने को पहले इस तरह से आटे को गूंथने की ट्राई करना है और फिर थोड़ा सा ही पानी डालना है, क्योंकि भाजी में काफी सारा पानी रहता है। आप चाहिए तो और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो, मगर मोरिंगा खुद भी इतने पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अभी हम लोग ने इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसका आटा लगा के लेना है। यहाँ पे आपको ज्यादा ना ही सॉफ्ट ज्यादा सख्त इस तरह का आटा लगाना है। देखो इस तरह से मैंने आटा रेडी करके लिया है। अभी कोई भी एक छलनी लेंगे, उसको तेल से ग्रीस करके लेंगे। आप चाहिए तो थाली में भी ये नाश्ता बना सकते हो, अपने मनपसंद का शेप दे सकते हो, मगर मुठिया कैसा गुजराती घरों में बहुत खाया जाता है और ये काफी फेमस है ना, तो काफी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से मुठिये का सिलेंडर जैसा शेप दे रही हूँ इससे। आपको चाहिए तो आप टिक्की वगैरह का भी शेप दे सकते हो। इस तरह से मैंने सारा मुठिया हाथों की मदद से इसे रोल करते हुए कर दिए। हम लोग ने सोडा इनो कुछ भी नहीं डालेंगे ना, फिर भी इतने सॉफ्ट बनेंगे ना और काफी टेस्टी लगता है। मोरिंगा का खुद का कोई टेस्ट नहीं रहता है, इसीलिए आप किसी में भी दाल सब्जी या फिर चटनी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो इस तरह से मैंने सभी रेडी करके लिए। अभी हम लोग ने एक पानी गर्म करके लिया था बर्तन में और इसको इस तरह से स्टीम करना है अपने को। इसको पकने कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो अच्छे से पक चुके थे, तो उसको बाद ठंडा कर लिया और फिर इसको कट करके लिया। देखो आपको ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही विदाउट ऑयल आप गरम गरम खा सकते हो, काफी टेस्टी लगता है और काफी सॉफ्ट बनते हैं। देखो कुछ भी नहीं डाला इनो सोडा तो भी सॉफ्ट बने। अभी इसको 1 चम्मच तेल मैंने गरम करके लिया है, उसमें थोड़े से राई के दाने डालेंगे हम, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़े से सफेद तिल डालेंगे, सफेद कड़ी पत्ता डालेंगे, काफी टेस्टी लगता है ये मुठिया, आप जरूर ट्राई करना एक बार। अपने दूधी के और बाकी तो सारे मुठिया तो काफी खाए रहेंगे, मगर कभी इस तरह का मुठिया खाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग ने उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। देखो इस तरह से मैंने मिक्स करके लिया है। अभी इस पे मेरे पास सूखा वाला नारियल था तो वो डाल रही हूँ। आपके पास ताजा नारियल हो ना तो उसको भी घिस के आप डाल सकते हो, काफी टेस्टी लगता है। और फिर हरा धनिया हम डाल देंगे थोड़ा सा। हमारे टेस्टी से मुठिया रेडी है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए, बच्चों के ब्रेकफास्ट में, टिफिन में, या फिर नाश्ते, या फिर रात के डिनर में, या लंच में कभी भी ले सकते हो, या कोई मेहमान वगैरह है तो उनको भी आप सर्व करो।